तो आपको बता दें कि खालिद रशीद फिरंगी महली ने क्यूआर कोड यहां पर जारी किया है, मुजाहिरा यहां पर किया गया, लखनऊ में ये मुजाहिरा हुआ है, वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ ये मुजाहिरा किया गया। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने ये एहतजाज किया है। दरअसल वक्फ बिल की लगातार मुखालफत हो रही है, जीपीसी के पास फिलहाल ये मामला है कि आखिर क्या किया जाए इस बिल को लेकर, इसमें क्या कुछ मॉडिफिकेशन की जाए, क्या बदलाव किया जाए। दो बैठकें पहले जेपीसी की हो चुकी हैं और अब आने वाले दिनों में किस तरीके से जो मुस्लिम तंजीमें हैं या ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है वो अपनी बात यहाँ पर रखेगा मजबूती के साथ ताकि उनकी बात मानी जाए, ये देखना भी यहाँ पर अहम होगा। लेकिन मुखालफत इसकी लगातार जारी है और उसी के मद्देनज़र लखनऊ में भी एहतजाज हमने देखा और इस मौके पर ईदगाह मौलाना इमाम खालिद रशीद फिरंगी महली ने एक क्यूआर कोड भी जारी किया। इसमें जो भी राय है वो जो भी अमेंडमेंट्स हो रहे हैं वो अमेंडमेंट उन अमेंडमेंट से पर्सनल लॉ बोर्ड या कोई भी मुस्लिम तंजीम मुत्तफिक नहीं है, क्योंकि ये जितने भी अमेंडमेंट्स हैं उसमें खासकर जो वक्फ बाय यूजर जो कि वक्फ कवानीन की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी है, उसको भी जो खत्म करने की बात कही जा रही है, तो ये जितने भी अमेंडमेंट्स हैं वो हम लोगों का मानना है कि वो औकाफ के लिए नुकसानदेह होने वाले हैं और हम लीगल एक्सपर्ट का ये भी मानना है कि अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 14, 25, 26 और 29 के अगेंस्ट हुए। सर ये जो मैसेज है ये डायरेक्ट जेपीसी को जा रहा है कि ये डायरेक्ट जेपीसी को जा रहा है और इसका रिकॉर्ड पर्सनल लॉ बोर्ड के पास भी रहेगा कि जिसमें कि कल को हम ये बता सकें कि हम लोगों ने कितनी राय जेपीसी तक इस सिलसिले में भेजी है। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने वक्त के ताल्लुक से जो अपनी राय मांगी है उसी के ताल्लुक से यहाँ पर ये कोशिश की जा रही है कि बड़े पैमाने पर तमाम नमाजियों से इसके खिलाफ और इस बिल के खिलाफ अपनी राय का इजहार कराया जाए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जो क्यूआर कोड जारी किया है उसके ताल्लुक से यहाँ पर एक क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी राय भेजने का काम किया जा रहा है और बड़े पैमाने पर ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की इस तहरीक में और इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के साथ इश्तराक करके यहाँ पर लोगों की सहूलियात के लिए क्यूआर कोड स्कैन करके अपनी राय भेजने का काम जारी है। मुसलमानों की सबसे बड़ी तंजीम ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, उनकी तरफ से तमाम मुसलमानों से अपील की गई है कि वक्त तरमीमी बिल जो 2024 सरकार ला रही है इस सिलसिले में अपनी राय दें। तो पूरे मुल्क में जुमे की नमाज के बाद इस तरह पर्सनल लॉ बोर्ड ने क्यूआर कोड का एक एहतमाम किया है कि मुसलमान अपने कैमरे से इसको इस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी राय दे सकते हैं। जी बड़ी तादाद में लोगों ने स्कैन किया, मैंने भी खुद स्कैन करके अपनी राय जेपीसी कमेटी को दी है।